हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस मेनिया यू नो दैट करंट अफेयर्स आर दी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन इट कम्स टू सीडीएस एग्जाम राइट प्रीवियस ईयर्स में भी आपने देखा होगा कि करंट अफेयर्स का एक बहुत ज़्यादा वाइटल रोल होता है एग्जाम में ठीक है तो यहाँ पे वी हैव कम अप विद अ वेरी डिफरेंट स्ट्रैटी ठीक है ओनली अबाउट करंट अफेयर्स वी विल हियर डिस्कस द मंथली करंट अफेयर्स ठीक है इसके लिए आपको डिफेंस मेनिया के सारे प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो करना होगा वेरी रिलीजियसली एंड आई ए श्योर यू दैट कि आपका जो सी डी एस वन ट्वेंटी ट्वेंटी वन एग्ज़ाम होगा दैट विल बी फार बेटर दैन वॉट यू वर परफॉर्मिंग इन योर प्रीवियस अटैम्प्ट ठीक है अगर आप फ्रेशर हो बहुत अच्छी बात है यू विल गेट अ कि स्टार्ट इन योर वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट तो ऑर वी विल डिस्कस अबाउट मंथली करंट अफेयर्स वी विल ऑल्सो डिसकस इंडिविजुअल टॉपिक्स इंडिविजुअल टॉपिक्स पर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी बिकॉज देर आर समॉपिक्स लाइक गवर्नमेंट स्कीम्स देर आर पोर्टल्स रिलीज बाई मिनिस्ट्रीज देर आर समिफेंस रिलेटेड न्यूज देर आर सम स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ जिसकी मैं आपकी स्पेशल क्लास लगाऊंगी और उससे क्वेश्चन उठ के आपके एग्जाम में आ सकते हैं फुल प्रोबेबिलिटी है ये तो हो गई थियोटिकल पार्ट वी हैव ऑल्सो अरेंज्ड लाइव एम सी क्यू सॉल्विंग सेशन फॉर यू ऑन वीकेंड्स ईदर ऑन सैटरडे और ऑन संडे तो उसमें आप अपने स्कोर मार्क करोगे यू हैव टू नोटड डाउन वीक वन वीकू टिल दी एंड ऑफ एग्जाम एंड यू विल मार्क योरग्राफ कि आपको कौन से वीक में कितने मार्क्स आए हैं एंड हाउ यू आर गोइंग टू गेट योर ड्रीम ऑफ यूनिफॉर्म दिस टाइम ठीक है तो इस बार बहुत स्ट्रैटेजिकली हम प्रिपेयर करेंगे जस्ट गो थ्रू एवरी थिंग वेरी रिलीजियसली एंड आई ए श्योर यू दैट आपकी प्रिपरेशन में कोई लाग नहीं रहेगा तो नाउ वी विल स्टार्ट ऑफ विद आर फर्स्ट न्यूज ऑफ द डे एंड दैट इज फर्स्ट ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर दिस इज़ वेरी फर्स्ट इन नेचर सिल्क की ट्रेनिंग जहाँ मिलेगी और प्रोडक्शन सेंटर भी होगा दिस हैज़ कम अप इन अरुणाचल प्रदेश बाई वॉट खादी विलेजेस एंड इंडस्ट्रीज कमीशन ठीक है दिस इज़ बाई के वी आई सी नेक्स्ट न्यूज़ नेक्स्ट न्यूज़ एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है जो हमारे प्रीवियस मेंबर्स होंगे वो रिलेट कर पाएंगे वी ऑलवेज टॉक अबाउट क्वेश्चन विच कम इन एग्जाम क्योंकि अल्टीमेटली वही मैटर करता है है ना माउंट सीनाम कहाँ लोकेटेड है ये क्वेश्चन आपको जोग्रफी पोर्शन से ऐसे आ सकता है तो दैट इज़ इन इंडोनेशिया ठीक है इंडोनेशिया दिस हैज़ अ न्यूज़ बिकॉज यहाँ पे बॉल्केनिक इरप्शन देखा गया था इस बार ठीक है तो दिस हैज़ बिन ए न्यूज़ तो आपको ये बहुत याद रखना है देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट बुक बुक्स एंड ऑथर पाथ से मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी ये एफ कैट का भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है दिस क्वेश्चन कम्स इन एफ कैट वेरी स्पेसिफिकली ठीक है बुक्स एंड ऑथर पाथ से तो ये बुक लिखी है योगेंद्र यादव जी ने मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नेक्स्ट छत्तीसगढ़ बगदलपुर बिकेम फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन कंट्री टू तो प्रोवाइड वॉट फॉरेस्ट लैंड राइट सर्टिफिकेट ठीक है जो चीज़ पहली बार होती है ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट होती है टू पीपल ऑफ़ अर्बन एरिया ओके टू द पीपल ऑफ़ अर्बन एरिया उसके बाद जी आई टैक्स से एक न्यूज़ है गोवा से दो जी आई टैक्स इस बार मिले हैं वो है मोयरा बनाना और हर्बन चिल्ली ठीक है बनाना और चिल्ली को मिला है दैट बिलोंग टू वेयर दिस प्लेस कॉल्ड गोवा ओके द फॉरेस्ट लाइन लैंड राइट सर्टिफिकेट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ के जगदलपुर एरिया में मिला है और गोवा के जी आई टैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट अब ये कुछ जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी न्यूज़ है एक तो राहत इंदौरी हुआ करते थे हु वॉज़ ही हु वॉज़ उर्दू पोएट ये उर्दू पोएट थे और इनके कुछ लफ्स थे उनके कुछ शब्द थे जो बहुत फेमस हुए थे ये थे सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है ठीक है तो ये कुछ लाइंस थी आपको यस डायरेक्टली एग्जाम में नहीं आ सकती बट यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी तो आई हैव एडेड यॉप ओके okay, तो नेक्स्ट थे हमारे बहुत ही प्राइड ऑफ इंडिया टाइप पंडित जसराज वो कौन थे वो थे इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट ठीक है जिनकी डेथ हो गई है तो आपको फील्ड पूछा जा सकता है कि वो क्रिकेट से बिलोंग करते थे एथलेटिक्स से बिलोंग करते थे पोइट थे मिनिस्टर थे तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है अगर कोई पर्सन न्यूज़ में रहा रहा हो तो ठीक है तो राहत इंदौरी एंड पंडित जसराज नेक्स्ट स्पुटनिक फाइव स्पुटनिक फाइव क्या है दिस इज बेसिकली द फर्स्ट कोविड नाइन्टीन वैक्सीन रजिस्टर्ड बाई रशिया ठीक है ये माना जाता है दिस इज़ दी वेरी फर्स्ट वैक्सीन विच हैज़ कम अप और वो रशिया ने डेवलप की है और उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है इट्स नेम इज़ वॉट स्पुटनिक फाइव ओके राइट नेक्स्ट इज कृषि मेग कृषि मेघ क्या है ये है आई के डेटा रिकवरी सेंटर ठीक है ये इसका पर्पस क्या है कृषि मेक को बनाने का इस डेटा रिकवरी सेंटर को बनाने का दिस इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा आजकल डेटा प्रिवेसी प्रिवेसी बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन गया है डेटा पायरेसी की वजह से डेटा प्राइवेसी का इशू रेज हुआ है ठीक है आई की डेटा रिकवरी सेंटर है ये लॉन्च किसने किया दिस इज़ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिस इज़ द टाइप टू टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना हमारे कोर्स के मेम्बर्स इसको रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाउ आई टीच अलग अलग टाइप से कि ये अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपको इस तरफ से क्वेश्चन आएंगे है ना दिस इज़ हाउ यू रिलेट विद योर एग्ज़ाम ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि येस आई एम वेल प्रिपेयर विद दी एग्जाम और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनस भी देखोगे तो आपको बूस्टअप मिलेगा कि येस माई प्रिपरेशन इज वेरी मच इन लाइन जैसे होनी चाहिए ठीक है तो दिस इज़ बेसिकली टाइप टू ऑफ क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं ना इट हैज़ बिन लॉन्च्ड बाई वॉट मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ठीक है तब वो नरेंद्र सिंह जी थे ये आपको ज़्यादा याद नहीं रखना क्योंकि पोर्टफोलियोज चेंज होते रहते हैं ठीक है अभी ये नरेंद्र सिंह जी हो भी सकते हैं और इनका पोर्टफोलियो चेंज भी हो सकता है तो यू नीड नॉट टू तो रिमेंबर दिस बट ये ज़रूर याद रखना है कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने कृषि मेघ जो डेटा रिकवरी सेंटर है वो लॉन्च किया है ओके ऑल राइट नाउ नेक्स्ट इज डब्ल्यू जी डी पी वमेन कनेक्ट चैलेंज अब ये किस लिए लॉन्च किया गया है इसके पीछे एक फार विजन क्या था दिस वॉज टू ब्रिज द जेंडर डिवाइड एज वेल एज डिजिटल डिवाइड इन इंडिया ठीक है इंडिया में ये दो प्रॉब्लम्स आफ्टर पॉल्यूशन इज पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन इज वेरी वेरी मच इनॉइंग दैट इज जेंडर डिवाइड जेंडर पैरिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया में एंड देन देर इज़ डिजिटल डिवाइड एज वेल जिनको टेक्नोलॉजी आती है उनको बहुत अच्छे से आती है एंड देर आर सिबरल पीपल्स जिनको बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी का कुछ भी सेंस नहीं है समझ नहीं आता है बिकॉज ऑफ देयर इलिटरेट बैकग्राउंड ओके तो दिस हैज़ बिन लॉन्च टू ब्रिज दिस पर्टिकुलर गैप ये किसने लॉन्च किया है दिस हैज़ बिन लॉन्च बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज विथ यू एस ठीक है प्लस डब्ल्यू जी डी पी ओके डब्ल्यू जी डी पी आपको इनके फुल फॉर्म याद रखने की अभी ज़रूरत नहीं है यू जस्ट हैव टू मेमोराइज डब्ल्यू जी डी पी यू एस एड्स एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज जिन्होंने ब्रिज करने की कोशिश की है जेंडर डिवाइड एज वेल एज डिजिटल डिवाइड इन इंडिया ओके नाउ कम्स एरो टू वॉट इज़ एरो एरो टू इज एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये इंडिया का नहीं है ये इसराइल का है ठीक है दिस हैज़ बिन अ न्यूज़ क्योंकि इसराइल के बहुत कॉन्फ्लिक्स चल रहे हैं लेबनान के साथ एक गाजा स्ट्रिप के साथ ठीक है दिस कम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड जोग्रफी पार्ट ठीक है तो हम इसको यहाँ पे कवर नहीं करेंगे बट येस एरो टू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एक डिफेंस वेपन है ओके ऑल राइट नेक्स्ट प्रोजेक्ट चीता अब प्रोजेक्ट चीता किससे डील करता है वॉट इट इंक्लूड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू डिफेंस कैसे इस प्रोजेक्ट के अंदर ट्राई सर्विसेज वांट टू इक्विप देयर फ्लीट ऑफ अराउंड नाइन्टी हीरो विद लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स एंड एंटी टैंक मिसाइल्स टू टेक आउट एनिमी पोस्ट एंड आर्मर्ड रेजिमेंट्स ठीक है बेसिकली हिरोन ड्रोन्स को इक्विप करना चाहते हैं ठीक है इन्वाइट करना चाहते हैं विद बॉम्ब्स दैट टू लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल्स के साथ ठीक है तो दिस इज व्हाट प्रोजेक्ट चीता ये पुराना प्रोजेक्ट है बट इसको इसका रिवाइवल अभी वापस से चल रहा है तो इसलिए दिस हैज हाँ बिन इन न्यूज और ये ट्राई सर्विसेज के लिए है ठीक है सिर्फ एक फोर्स के लिए नहीं है ट्राई सर्विस सर्विसेज के लिए है तो आपको ये चीज़ याद रखनी है एंड सीजन पोर्टल दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट बिकॉज अगेन रिलेटेड टू तो वॉट डिफेंस जिसके जिसके लिए हम सब प्रिपरेशन कर रहे हैं ओके This is the one-stop online portal that provides access to vendors for indigenization by the private sector. अब indigenization of private sector कर रहे हैं ठीक है जो भी वेंडर्स हैं जो भी काम करना चाहते हैं with दिस पर्टिकुलर डिफेंस सेक्टर इनके इंडिजनाइजेशन के लिए इनके प्राइवेटाइजेशन के लिए तो एक अच्छे से एनालिसिस के लिए एक ओवरव्यू के लिए there शुड बी समथिंग अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको ऑल इन ऑल सब कुछ मिल जाए देर इज़ नो पॉइंट ऑफ गोइंग है ना इच ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको सारे स्टैटिस्टिक अलग अलग मिले तो वो रियली really बहुत कंफ्यूजिंग होता है तो सृजन पोर्टल में आपको सब कुछ एक टाइम पे मिल जाएगा uh, सारे वेंडर्स को सारी इंफॉर्मेशन एक साथ मिल जाएगी जिससे डिफेंस सेक्टर एक्चुअली बहुत स्ट्रांग हो सकता है उसका इंडिजनाइजेशन हो सकता है मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट पूरा हो सकता है प्लस इसमें प्राइवेटाइजेशन डाल देंगे तो क्वालिटी एंड स्पीडी टाइम और ज़्यादा हो जाएगा ठीक है दिस इज दी सेम कॉन्सेप्ट ऑन बाई विच डिफेंस मेनिया वर्कस है ना इट प्रोवाइड्स वन प्लेटफॉर्म जिसमें आपको वीडियोस पीडीएफ टेस्ट है ना और लाइव इंटरेक्शन सेशन वन इन अ समीक सब मिल जाता है तो या सृजन पोर्टल एंड डिफेंस में इन सम वॉट वेरी रिलेटेड बोथ इज़ रिलेटेड टू डिफेंस बोथ इज रिलेटेड टू वन स्टॉप ऑनलाइन पोर्टल ठीक है तो आप भी अगर इन एग्जाम्स की और डिटेल में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसको और ज़्यादा गो थ्रू कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर पर जाके ऑल राइट यहाँ पर हम नेक्स्ट चलते हैं सिक्किम बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन वर्ल्ड टू बिकम फुल्ली ऑर्गेनिक ठीक है ये इन दी वर्ल्ड है इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ठीक है सिक्किम आपको स्टेट याद रखना है एफ कैट के लिए क्या इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके आपको सिक्किम के कैपिटल uh, के बारे में पता होना चाहिए नेशनल पार्क्स के बारे में पता होना चाहिए बायोस्फीयर और रिजर्व एनी माउंटेन और रिवर गोइंग थ्रू दैट ठीक है तो आपको इसकी जोग्राफी पूरी याद कर लेनी है दिस कैन बी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर डिफेंस एग्जाम ऑल राइट अब ये वापस से बुक्स एंड ऑथर का एक क्वेश्चन आया है दैट इज़ फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर 1972 से लेके 2020 तक दिस इज़ दी पार्ट टू ठीक है ये पार्ट वन का कॉन्टीन्यूशन है जिसमें ये था 1971 तक ठीक है 1947 से लेके 1971 तक के वॉर्स को आ, कवर किया था ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है बिकॉज़ इनको लिखी है रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम सौर ने ओके दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ये डिफेंस रिलेटेड ही है तो आपको बिल्कुल याद रखना है इस चीज़ को ठीक है एंड नाउ सोलर सिस्टम में फाइनली फाइव ड्राफ्ट ड्राफ है ड्राफ्ट प्लानट्स है ये डिक्लेयर किया गया है ठीक है तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउ मेनी ड्राफ प्लानट्स आर देयर एज ऑफ नाउ इन दी सोलार सिस्टम तो ये हो गए प्लूटो एरिस ह्यूमेनिया मेक मेक एंड सीरीज ठीक है आ, ये सीरीज वॉज एन न्यूज़ रिसेंटली बिकॉज यहाँ पे एक ओशीन टाइप ऑफ वाटर बॉडी मिली है ठीक है ओशीन टाइप ऑफ वाटर बॉडी मिली है दैट मेक्स इट ब्लू डवाफ प्लानट ठीक है तो ये ऑल इन ऑल सारी न्यूज़ थी मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड इस चीज़ का बता चुका है ये सारे डवाफ प्लानट्स को आपको याद रखने हैं ऑल राइट नाउ एक स्कीम अभी न्यूज़ में चल रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुसुम स्कीम दिस इज प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम ठीक है तो यहाँ पे अगेन टाइप थ्री क्वेश्चन आपको आ सकता है सॉरी टाइप टू क्वेश्चन आपको आ सकता है सी डी एस सी स्टेटमेंट टाइप का कि इट स्टैंड फॉर टाइप वन भी आ सकता है कि पी एम कुसुम स्कीम स्टैंड फॉर तो इट स्टैंड फॉर किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअियान ओके okay? इज किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने प्लान किया है टू अचीव थर्टी पॉइंट एट गीगा वॉट ऑफ सोलर कैपेसिटी बाय द ईयर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू ये टारगेट इंपॉर्टेंट करना भी बहुत याद है ये स्टेटमेंट बेस्ड में आपको पूछ सकते हैं एक और चीज़ यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है दिस हैज़ बिन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री इसको लॉन्च किया है आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा दिस हैज़ बिन लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ओके तो इसमें रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड मिनिस्ट्री है उसने इसको डेवलप किया है लॉन्च किया है ओके नाउ अगेन आज आप देख रहे हो बुक्स एंड ऑथर्स से कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अलग नोट करो जो जो लोग इस्पेली इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एफ कैट आइनेट के लिए आप इसका अलग से बना के रखो क्योंकि बहुत डिटेल में आपको करेंट अफेयर्स नहीं आएंगे सी में बहुत डिटेल में आएंगे एफ कैट में नहीं आएंगे आई नेट में नहीं आएंगे तो आप ये शॉर्ट शॉर्ट बुक्स एंड ऑथर अलग करके लिख सकते हो आई एम नो मसीहा दिस बुक हैज़ बिन ये प्रोसेस में चल रही है दिस हैज़ बिन रिटन बाई सोनू सूद ये सोनू सूद पर लिखी जा रही है ओके okay? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी सोनू सूद हैज़ actually evolved as a hero for lot of migrants ठीक है तो ये अभी बहुत ज़्यादा news में था आपको याद रखना है and now this is the very very important news यहाँ से तीन important चीज़ें निकल के आती हैं first is मलखम्ब what is actually मलखम्ब आपने ये ऐसे ऐसे पोस्टर्स देखे होंगे ठीक है लेकिन आपने उनको अप्रिशिएट तो किया होगा बट आप फिर उनको भूल गए होंगे ठीक है वॉट इट इज़ कॉल्ड इनमें इनकी कितनी मेहनत लगी होगी इसका कोई जिक्र वैसे नहीं हुआ होगा बट now this game has been a demonstration game for the very first time in Tokyo Olympics. Tokyo Olympics में for the very first time ये game का demonstration होने वाला है This would be a demonstrative piece. ठीक है मल्लखम्बम which is an authentic Indian sport. Okay. Second ये इसलिए important है क्योंकि योगेश मालवीय जो कि मल्लखम्ब के player ही रहे हैं पार्टिसिपेंट रहे हैं इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है ओके एंड द थर्ड फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑल दो मध्य प्रदेश इज दी हब ऑफ दिस मलखम गेम ठीक है तो अब मलखम गेम को इस गेनिंग मोमेंटम तो आप भी इसको बिल्कुल सपोर्ट कीजिएगा इनके जो सारे प्लेयर्स हैं उनको एक्चुअली बहुत ज़्यादा फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस की ज़रूरत होती है तो विल आल्सो कंसीडर देम एज जितना फेम एंड नेम हम उनको देते हैं जो क्रिकेटर्स होते हैं हम इन सारे गेम्स को जो ऑथेंटिक इंडियन स्पोर्ट है उनको भी देंगे ओके सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस आपको कोई भी डाउट हो तो आप ऑफकोर्स मुझसे पूछ सकते हो कहाँ पूछोगे ऑब्वियसली ऑन डिफेंस मी इनिया ऐप वहाँ पर एक चैट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी वेरी फ्रीली ऑन दिस पर्टिक्यूलर ऐप यू कैन ऑल्सो चेक आउट आर कोर्सेज फॉर सी डी एस एंड एफ कैट इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर बोथ इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर ओनली सी डी एस यू कैन गो विथ दिस कोर्स एंड इफ यू आर एलिजिबल फॉर एफ कैट आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो डिफेंस मे इनिया इज़ ऑन मिशन टू प्रोवाइड मोस्ट पॉकेट फ्रेंडली